हेलो, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? क्या सब हो गया था कल तक हमारा? नेक्स्ट आई मीन प्रीवियस वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो में क्या सब हुआ था हमारा? इससे पहले वाले वीडियो में हमारा बहुत कुछ हो गया था, पता भी चला आप लोगों को क्या सब हुआ था? पिछले वाले वीडियो में जो हमारा हुआ था, उद्देश्य एवं प्रतिफल की वैधानिकता, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, याद ही होगा। अगर नहीं याद है तो फिर से जाके एक बार उस वीडियो को देखो और समझो उसके अंदर क्या सब है। कल हम आपको बताए हुए थे, आई मीन पिछले वाले वीडियो में हमने जो आपको बताया था वो क्या था कि लोक नीति के विरुद्ध समझौते, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या होता है कि कुछ चीज़ ऐसा है जो आपके समाज ने निर्धारित करके रखा है, लेकिन आप क्या करते हो कि उसमें जाके कुछ टांग अड़ाते हो। नहीं बोलता है गांव के लोग कि ये आ गया टांग अड़ाने काम के बीच में, तो आप कुछ अपना न्यू कुछ करने जाते हो, लेकिन आप क्या कर देते हो कि वो पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध हो जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि लोग क्या मानते हैं कि वेस्टर्न कल्चर जो है, हमारे यहाँ अभी भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने से लोग कतराते हैं, और बहुत जगह ऐसा भी है और बहुत ऐसा है कि जहाँ पे आप अगर वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हो तो वहाँ के लोग आपके ऊपर कुछ कार्रवाई भी कर देते हैं। तो देखते हैं क्या सब है, ऐसा क्या चीज़ है, हमारे लॉ में क्या बताया है। कहीं कहीं पे कुछ लोग गलत तो नहीं कर देते हैं किसी के साथ, कुछ करना जायज़ भी है फिर भी लोग उसको नाजायज बता के क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, या फिर उसके ऊपर कुछ बड़ा सा मुकदमा चला देते हैं, या फिर उसके साथ कुछ गलत कर देते हैं। तो वही हम देखते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि आपको इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ हमारे लिए करने का राइट मिला हुआ है और किस चीज़ को नहीं करने का मतलब वो है, किस चीज़ को हम नहीं कर सकते हैं। तो आप शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो ना, बता देता हूँ, सारे लोग बताते हैं इसलिए। ठीक, फर्स्ट क्या है, शत्रु के साथ व्यापार। शत्रु के साथ व्यापार, शत्रु के साथ व्यापार कौन करता है भाई? हाँ, पाकिस्तान के साथ मेरे को कोई बोलेगा व्यापार करने, करूँगा? नहीं, आप भी नहीं करोगे, बताइए क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है ना हमारे साथ, ट्रेडिंग विथ एनिमी। हाँ, तो इसके अंदर क्या सब लिखा हुआ है, भारत सरकार के से बिना लाइसेंस प्राप्त किए शत्रु देश से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति के साथ किया गया व्यापार व्यर्थ होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य जन नीति के विरुद्ध है। यहाँ व्यापार का समझौता युद्ध काल में राज्य के हितों को नुकसान पहुँचाने की संभावना के कारण जन नीति के विरुद्ध है। वैसे अभी तक हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारे देश का कोई भी शत्रु नहीं है, पाकिस्तान से भी हमारा व्यापार चलता है। लेकिन जब कोई युद्ध स्टार्ट हो जाता है, और जिस देश से हमारा युद्ध स्टार्ट हो जाता है वो देश हमारे देश का क्या बन जाता है, शत्रु। और उस टाइम जब उस देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा होता है, और उस टाइम आप जाके उसके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि चलो भैया मैं आपके साथ से ही ये सामान खरीदूँगा, या ये सामान मैं आपको ही दूँगा और आपके देश में ही सप्लाई करूँगा, या उधर से आप कुछ सामान मंगवा रहे हो और उसको पैसे दे रहे हो, उसको जो पैसे दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, दूसरे देश को स्ट्रांग कर रहे हो। कोई शत्रु को स्ट्रांग बनाता है क्या? नहीं बनाता है, सब चाहते हैं कि हमारा शत्रु क्या हो, कमज़ोर हो, जैसे भी हो लेकिन उसको कमज़ोर करना है। इसलिए तो हम बम गिराते हैं ना शत्रु के ऊपर या शत्रु हमारे ऊपर, ताकि वो हमें कमज़ोर करना चाहता है। लेकिन उसी क्षण हम या आप या कोई और उसी शत्रु के साथ व्यापार कर ले जिसको हम कमज़ोर करना चाहते हैं, उसे और स्ट्रांग कर दें, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो इसलिए बोल रहा है कि शत्रु के साथ व्यापार करना क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, गौर से सुनो, लॉ है, लॉ थोड़ा बोरिंग तो होता ही है, पर मैं अपना पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको बोरिंग ना फील होने दूँ। फिर भी अगर आपको बोरिंग लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पढ़ने में मन नहीं लगता होगा तुमको, सही बता रहा हूँ, पढ़ाई करो चुपचाप बैठ के, और इधर उधर कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करना है बस लॉकडाउन में, और करना भी क्या है, घर में बैठे रहो, मज़े करो, इतना अच्छा लेक्चर मिलेगा कहीं? सेकंड क्या है, कानून का मार्ग अवरुद्ध करना, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन।
ये क्या है, ये इतना अच्छा वर्ड है, इसको तो रंग दो, एकदम पेंटिंग कर दो। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, कानून का मार्ग अवरुद्ध करना। अब कानून किसी मार्ग से जा रहा था और आप में इतनी हिम्मत कि आप उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिए। मतलब क्या हो गया कि कोई नदी बह रही है और नदी के बीच में आपने क्या बना दिया, एक दीवार बना दी, और आपने बोला कि नदी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे आगे, कानून का मार्ग अवरुद्ध करने वाला समझौता न्यायालय का अपमान कर सकता है, इसलिए ऐसा कोई भी समझौता व्यर्थ होता है। अब कुछ ऐसा समझौता है जो कानून का ही मार्ग अवरुद्ध कर दे, हो सकता है कुछ ऐसा समझौता, पता है आपको, हो सकता है। देखते हैं आगे, कुछ ना कुछ तो दिया होगा एग्जाम्पल में। किसी सार्वजनिक अपराध के लिए किया गया समझौता सामान्यतः गैर कानूनी होता है। किसी आप समाज के लिए कुछ गलत समझौता करते हो तो गैर कानूनी होता है, ठीक है, परंतु भारतीय दंड विधान के अंतर्गत ऐसे समझौते योग्य अपराधों की एक वैधानिक सूची भी दी गई है, और अपराध समझौता होने की स्थिति में जिसका फैसला न्यायालय से बाहर होना संभव है, तो इस संबंध में न्यायालय की अनुमति से किया गया समझौता पूर्ण वैध होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इस प्रकार जब ए बी को कुछ भूमि बेचने का समझौता इस प्रतिफल के बदले करता है कि बी ए के विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के संदर्भ में जिसके लिए दंड दिया जा सकता है न्यायालय न्यायिक कार्रवाई नहीं करेगा, तो ऐसा समझौता जननीति के विरुद्ध नहीं लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अपराध समझौता योग्य नहीं होता है। कुछ नहीं समझ में आया होगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 3-4 बार पढ़ें इस लाइन को और समझने की कोशिश करें, परंतु मैं आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर कैसा काम हुआ होगा। अब आपको बोला जाता है कहीं पे कानून का मार्ग अवरुद्ध करना, मतलब कि मैं एक वकील हूँ, ठीक है, मैं एक वकील हूँ और मैं किसी का केस ले रखा हूँ। किसी का केस, किसका केस, मान लो कि एक राम है और एक श्याम है, राम और श्याम दोनों में ज़बरदस्त झगड़ा हो गया, ठीक है, और राम मेरे पास आया, बोला कि सर आप मेरा केस ले लो। मैं बोला ठीक है दे दो, मैंने उसका केस लड़ने का जिम्मेदारी लिया, किसके विरुद्ध, श्याम के विरुद्ध। अब श्याम क्या करता है, श्याम मेरे पास आता है, बोलता है सर आप तो बाइक से जाते हो डेली ऑफिस, एक काम करो आप ये मेरा कार खरीद लो। उसके पास BMW कार था और वो कितने में देने के लिए तैयार हो गया, बोला कि सर आप 2 लाख रुपये दे दो और ये 15 लाख का BMW कार ले लो। मैं बोला ठीक है ले लूँगा, लेकिन तुम इतना सस्ता मुझे क्यों दे रहे हो। तो बोला कि देखो सर आप जो राम का केस लड़ रहे हो ना, वो आप मत लड़ो, अगर मैं आप वो केस नहीं लड़ते हो तो उससे मैं जीत जाऊँगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप कानून का मार्ग अवरुद्ध कर रहे हो और ये समझौता व्यर्थ हो सकता है। वो 2 लाख में गाड़ी खरीदने के बाद भी राम का केस लड़ सकता है, देखो कितना अच्छा चीज़ है। समझ में आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से सुन लो। समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि अगर आप किसी का काम करने के लिए आप दूसरे के हिसाब से कर देते हो या फिर ऐसा कुछ जो हमने एग्जांपल में समझाया है, तो वो नहीं करना चाहिए, वो व्यर्थ हो जाएगा। अनुरक्षण तथा चैम्पर्टी, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, ये देखो नया नया वर्ड सीखने को मिल रहा है। इस वर्ड सबको ना अपने दिमाग में, अपने भेजे में घुसा लो, अच्छे से याद कर लो। अगर एग्ज़ाम में जाके ये वर्ड डिनोट कर देते हो, ये वर्ड लिख के आते हो, तो एग्जामिनर के ऊपर क्या बनेगा, इम्प्रेशन बनेगा आपका। जो बोलते हैं ना कि मार्क्स कहाँ से आता है, तो मार्क्स यहाँ से आता है। ये वर्ड्स वगैरह अगर आप अपने दिमाग में रखते हो और इस चीज़ को नोट करके आते हो एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ामिनर समझेगा कि बच्चा क्या है, पढ़ के आया है घर से, बच्चा है इंटेलिजेंट, तो इसको तो पास करना ज़रूरी है और इसको जल्दी से सीए इंटर में पहुंचाना है। इसलिए क्या करेगा, वो आपको पास करने का सारा कुछ करेगा, आपको पास करवाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगा। इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अनुरक्षण तथा मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब पता होगा और चैम्पर्टी का मतलब आपको नहीं पता होगा, इसलिए हम इसमें क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं फिर आपको समझाएंगे। अनुरक्षण एक ऐसा ठहराव है जिसमें एक व्यक्ति ऐसे वाद को बनाए रखने का वचन देता है जिसमें उसका कोई हित नहीं, मतलब समझ में आया कुछ भी नहीं। चैम्पर्टी एक ऐसा ठहराव है जिसमें एक व्यक्ति कार्रवाई को रकम का एक भाग देने के लिए वचन
के बदले में मुकदमे के दूसरे व्यक्ति की सहायता करने की सहमति देता है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। चंपर्टी और मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ है, अनुरक्षण एक ठहराव है। अनुरक्षण क्या है? एक एग्रीमेंट है जिसमें एक व्यक्ति ऐसे वाद को बनाए रखने का वचन देता है जिसमें उसका कोई हित नहीं है। अब आपको पता होगा कि कभी कभी कुछ बुढ़ा लोग जो होता है ना, बहुत बदमाश होता है, वो क्या करता है कि बोलता है कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा इस केस को जीत के या हार के, फिर भी मैं इस केस को ख़त्म नहीं करूँगा, मैं सुलह नहीं करूँगा, मैं इस केस को आजीवन चलने दूँगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? मेंटेनेंस की एक ऐसा ठहराव है जिसमें एक व्यक्ति ऐसे वाद को बनाए रखने का वचन देता है जिसमें उसका कोई हित ही नहीं है। समझ में आ गया? और चैम्पर्टी क्या है? ऐसा ठहराव जिसमें एक व्यक्ति कार्यवाही को रकम का एक भाग देने के लिए वचन के बदले में मुकदमे में दूसरे व्यक्ति की सहायता करने की सहमति देता है। अनुरक्षण या चैम्पर्टी के माध्यम से फंड सप्लाई करने के लिए ठहराव वैध होता है जब तक यह अनुचित न हो जिससे दूसरे पक्षकार के प्रति अन्याय हो। चैम्पर्टी क्या होता है कि मैं केस लड़ने गया कोर्ट में और मेरे पास पैसे की कमी थी, तो सामने वाला बंदा, एक दूसरा बंदा आता है थर्ड पर्सन, और वो बोलता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप बस केस लड़ो। ठीक है, आप बस केस लड़ो, मुझे अगर आप हारे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर जीते तो हो सके तो मुझे भी कुछ दे देना, अदरवाइज उनके अपने एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपने एग्रीमेंट किस चीज़ कैसे बनाते हैं, बट वो ऐसा करते हैं कि ऐसा होता है ना कि मान लो कि मैं किसी घर में रहता हूँ, हाँ, और मेरा एक रूममेट भी है, मेरा एक रूममेट है, और मैंने अपने दोस्त से कुछ पैसे ले रखे हैं, और वो दोस्त क्या करता है, रोज आता है मेरे रूम पे, मेरे से पैसे मांग के जाता है, लास्ट में जाके मेरा जो रूममेट है उसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो बोलता है कि भाई ये ले पैसे और जा कल से मत आना मेरे रूम पे। ठीक, अब मैं, वो मेरा रूममेट मेरे से लेता है या नहीं लेता, वो मेरे और मेरे रूममेट के बीच का वो है एग्रीमेंट। तो आप जब दूसरे को केस जितवाने के लिए पैसे देते हो तो वो क्या हो जाता है? चैम्पर्टी होता है। लेकिन उसके अंदर कुछ रीजंस, कुछ वो दिया गया है, कंडीशन लगाए गए हैं कि ए नंबर क्या है, यह अनुचित ना हो जिसमें दूसरे पक्षकार के प्रति अन्याय हो। मान लो कि मैं कमज़ोर था, अबला था, असहाय था, और मैंने जिसके ऊपर केस किया वो मतलब बलशाली था, ठीक है, वो एक बॉडी बिल्डर था, बट मेरे पास भी पैसा नहीं था, उसके पास भी पैसा नहीं था, तो वो क्या करता था, मुझे डेली आके पीटता था, तो मैंने उसके ऊपर केस कर दिया। अब उसका कोई दोस्त था उस बॉडी बिल्डर का, वो बोला कि दोस्त ये लो पैसे, तुम लड़ो, इसको और दबा के रखो, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हो, तो यहाँ पे चैम्पर्टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका चैम्पर्टी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो फिर क्या हो जाएगा, वैध नहीं होगा, अवैध हो जाएगा। बी नंबर क्या है? यह दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्य के साथ न किया गया हो, दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के साथ न किया गया हो, जैसे मुकदमेबाजी में जुआ, सट्टा जो लगाते हैं ना कि हाँ अगर तुम केस जीतते हो तो मैं तुमको इतना दूंगा, अगर तुम हारते हो तो इतना ले लूँगा, ऐसा कुछ जुआ नहीं होना चाहिए, जैसे IPL में सट्टा लगाते हैं, ऐसा मुकदमे में नहीं होना चाहिए, या व्यर्थ के मुकदमों को बढ़ावा देकर अन्य पक्षकारों को दबाना तथा ऐसे सुपात्र उद्देश्य के साथ न हो जिससे किसी दावे में सहायता मिले जिसका न्यायपूर्ण होने का भरोसा हो। वही सब बताया गया है कि दुर्भावनापूर्ण नहीं होना चाहिए। फोर्थ नंबर क्या है? सरकारी पदों की बिक्री को हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और पांचवा क्या है? एकाधिकार सृजन हेतु समझौता, विवाह दलाली के ठहराव। छः नंबर है, सातवां नंबर है न्याय के मार्ग में हस्तक्षेप करना, दायित्व के विरुद्ध हित। ये सब आप खुद से पढ़ के रखना।
जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इसको अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो इस वीडियो को भी, ताकि उनको भी सारा कुछ जानकारी मिलता रहे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर आप सीए कर रहे हो तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सबको जानना चाहिए। जो नॉर्मल पीपल हैं, साइंस वालों को भी जानना चाहिए, आर्ट्स वालों को भी जानना चाहिए और कॉमर्स वालों को तो जानना ही चाहिए। तो आप अपने सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि सबको उस चीज़ की समझ हो, सब समझें और आपको क्या दें, आपको कुछ नहीं, शाबाशी देंगे और कुछ नहीं देंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।